नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जिस जगह मैं आ रखा हूँ। बहुत से लोग गलती कर देते हैं जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप खासकर ये ध्यान दें। देखिए दोस्तों, जब ऐसी सड़क आती है तो ऐसी सड़क में आपने क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है, खासकर इस बात का ध्यान दें। जब भी आप लाइन चेंज करोगे, यानी कि ओवरटेक करते समय लाइन चेंज करोगे, तो जैसे मैं इसके राइट जाऊंगा तो राइट इंडिकेटर दूंगा, फिर हॉर्न दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं लाइन चेंज करूंगा, पीछे देखूंगा, जब कोई नहीं होगा तब फिर लाइन चेंज करूंगा। ऐसे अगर मैंने लेफ्ट जाना है तो मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा और लेफ्ट मिरर में देखूंगा कोई आ तो नहीं रहा है, तब उसके बाद लाइन चेंज करूंगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा ये ध्यान दे दो, इस तरीके से आपने नियम का पालन करना है। जब भी आप राइट से लेफ्ट जाओगे या लेफ्ट से राइट जाओगे तो लाइन चेंज करते समय इंडिकेटर और पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहूँगा, मैं देख रहा हूँ अक्सर कि टू व्हीलर वाले खासकर ये गलती कर रहे हैं कि वो बीच वाली लाइन में या ये राइट साइड वाली लाइन पे यहाँ चल रहे हैं। उन्हें इस लाइन पे नहीं चलना है क्योंकि ये फोर व्हीलर वाली लाइन होती है। तो खासकर टू व्हीलर वाले ये ध्यान दें, जो सड़क के लेफ्ट साइड लाइन है इस लेफ्ट साइड में आप चलें, दुर्घटना से बचोगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड टू व्हीलर के लिए बहुत ही सेफ्टी है, सेफ रहेगी। तो आप टू व्हीलर वाले जितने भी हो, आप हमेशा ये ध्यान देना जब आप ऐसे थ्री लेन में चलो तो सड़क के लेफ्ट साइड चलना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।